बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन नुमान। और आज हम जा रहे हैं हज़रत मोहम्मद बिन अली के मज़ार पर। हज़रत मोहम्मद बिन अली का मज़ार अकदस सलाला से तकरीबन 70 या 74 किलोमीटर के फासले पर मिरबाद में वाक़िया है। मिरबाद का पुराना नाम गफरुल कदमिया है। हज़रत मोहम्मद बिन अली एक काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा थे। झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता। खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप पर हो। झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता। खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप गया है सर अदब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता। खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। अब मैं आपको बताता हूँ हजरत मोहम्मद बिन अली के बारे में। हजरत मोहम्मद बिन अली हजरत इमाम अली हालिक कासिम के बेटे हैं और यमन के शहर कनमीम में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम हिफ्ज़ कुरान से शुरू की। आपने इस्लामी उलूम अपने मामू से सीखा और इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए आप एक मशहूर सुन्नी शाफ़ी अलीम बने, जो कि तरीक़त बालवी के बाद के वक्त के सूफियों में सबसे बड़े थे। वो उल्मा और मुफ्तियों में इस्लामी फिक्का के इमाम के तौर पर जाने जाते थे। बाद में वो शहर गफलुर कदमिया में आबाद हुए, जो कि मिरबाद के नाम से मशहूर है और हम आज वहाँ ही आए हुए हैं। आपकी वफ़ात 556 हिजरी में हुई, इसलिए आपको साहिबे मिरबाद कहा जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए हैं मज़ार पर। आपका मज़ार सफ़ेद मज़ार के नाम से भी मशहूर है। आपका सजर नसब हज़रत सईदा फ़ातिमतुल ज़हरा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ी से मिलता है और मज़ार के इर्द गिर्द एक बड़ा कब्रिस्तान है। चलें तो अंदर चढ़ते हैं और चढ़ के कब्र मुबारक की ज़ियारत करते हैं और दुआएं करते हैं। बाहर भी मस्जिद बनी हुई है और अंदर भी जायनमाज बिछे हुए हैं, यहाँ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तब से सारी कायनात का आपने ही है सिखाया। यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। यह मज़ार की बैक साइड है और मज़ार के चारों तरफ कब्रिस्तान है, बस आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है। अल्लाह पाक इन सब की मगफिरत फरमाए, इनकी कब्रों को रोशन करें और जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और ये बाहर मस्जिद बनी हुई है। मेलबार्ट के एंट्रेंस पर घोड़ों के मुजस्मों से पहले हज़रत मोहम्मद बिन अली का मज़ार है।
चले तो अब चलते हैं मिरबार टाउन। ये टाउन का मेन गेट है। और टाउन में काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ टूटी हुई भी हैं। और यह है मिरबार का फिश पॉट। यह जो लेफ्ट साइड पर बिल्डिंग है, ये मिरबार बेटर है। ये मिरबार की मार्केट है, जहाँ पर कपड़े, हेयर ड्रेसिंग और ज्वेलरी और भी काफी शॉप्स हैं। झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का, आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता, खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता, रहमतें दोनों जहां में आप पर हो। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का, आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता।